ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 26 मार्च 2019 मंगलवार का दिन है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस दिन संत एकनाथ जी का प्रागट्य महाराष्ट्र में हुआ था, इसलिए एकनाथ छठ के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। अनुराधा नामक नक्षत्र जो कि दोपहर 11:27 तक, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा कर सकते हैं। राहु काल जो कि 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक दोपहर के समय रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मीन राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, मंगल वृषभ राशि में, बुध कुंभ राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र कुंभ राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष वृषभ कर्क कन्या वृश्चिक धनु मकर और मीन, इन 8 राशि वालों को होगा अचानक बड़ा फायदा। तो मित्रों अब हम आपको बताने जा रहे हैं मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए अब बिना देर करते आपको बताते हैं हम सबसे पहले मेष राशि। कोई नई योजना आपके सामने आएगी जो आपके मौजूदा काम की तुलना में ज्यादा फायदेमंद रहेगी, इस पर विचार जरूर करें। कोई सामाजिक संबंध या कोई ऐसा संपर्क आपका निकलेगा जो आपके कैरियर में आगे बढ़ने में मददगार साबित होगा। नए विचारों, उत्साह और शुरुआत से काम करने का समय है। नए अवसर आज आपको मिलेंगे, नई ज्वाइनिंग हो सकती है। सामाजिक या पेशेवर दायरे में अपनी अच्छी स्थिति के साथ लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। मकान खरीदने का विचार आपका बन सकता है। विवाह होने या विवाह पक्का होने का समय है। आप लाभ के मामले में भाग्यशाली रहेंगे। कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। आपके कामों की तारीफ होगी, आपको संतुष्टि भी प्राप्त होगी। परिवार के मामले आपको निपटाने पड़ेंगे, मन भी आपका प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें और जीवन साथी को बराबर का महत्व आपको देना चाहिए। और उपाय के रूप में यदि नहाने के पानी में काले तिल डाल देंगे तो दिन आपका अतिशुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। ऑफिस या आपके दायरे के कुछ लोग आपकी मदद करेंगे। आज आपको दूसरों से ज्यादा खुद पर भरोसा रखना चाहिए। साथ ही भविष्य की सफलता के लिए पहला कदम उठाने का समय है। रिश्तेदारों से भावनात्मक सहारा आपको मिलेगा। कारोबार के सिलसिले में यात्रा होने का योग बन रहा है। अधूरा काम निपटा ले। भविष्य के बारे में बहुत बारीकी से विचार करना होगा। कैरियर में आपको कुछ नए अवसर मिलेंगे। व्यापार के लिए महत्वपूर्ण दोस्तों से आर्थिक सलाह आपको मिल सकती है। समय अच्छा व्यतीत होगा। आपको किस्मत का साथ मिलेगा। परिवार का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। संतान के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा। और उपाय के रूप में यदि आप सफेद रंग का एक फूल शंकर जी के मंदिर में चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। कई परिणाम आज आपके हाथ में होंगे। शोकिया कामकाज निपटाने में सपोर्ट प्राप्त होगा। धन लाभ होने का योग है। पैसों की योजनाएं बनाने में किसी की मदद भी आपको मिलेगी। नौकरी की तलाश में है तो आज आपको काम का प्रस्ताव प्राप्त होगा। आज आप दिन भर दूसरों की मदद करते रहेंगे। ऑफिस में आपको किसी नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है। आज आपको सुबह से ही चुनौतियां मिलने का योग है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी और आपको विदेश या दूर स्थान पर रहने वाले लोगों से फायदा भी होगा। उपाय के रूप में लाल रंग का कुमकुम यदि हनुमान जी के मंदिर में आप चढ़ाते हैं तो आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। दिन अच्छा है। परेशानियां लगभग समाप्त हो जाएगी। लोगों का ध्यान आपकी ओर रहेगा। आपको फायदा होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपके या जीवन साथी के करियर में अचानक कुछ परिवर्तन आ सकता है। साथ ही आपका व्यवहार भी आज अचानक बदला हुआ रहेगा। यह बदलाव ऐसा होगा कि आप खुश हो जाएंगे। मन में अनिश्चिंता का भाव रहेगा। खुद पर विश्वास रखें। आपको लोगों से मदद लेने की जरूरत पड़ेगी। दूसरों के जरिए ही कुछ नए मौके आपको मिल सकते हैं। आपको कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। अतिरिक्त आमदनी होने का योग है। जीवन साथी से प्यार और सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। और उपाय के रूप में नहाने के पानी में सुगंधित वस्तु या सुगंधित इत्र डालना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की।
आज आपको ऑफिस में किसी व्यक्ति के प्रति विशेष रूप से आकर्षण महसूस होगा और ईमानदारी से अपने संबंध निभाएंगे। आपसे पूछे तो सीधे साधे शब्दों में आपको किसी भी व्यक्ति को जवाब देना चाहिए। उलझनों से आपको बचना होगा। किसी बात का अनजाना डर आपको परेशान कर सकता है। किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। आपके सुख में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। किस्मत और दोस्तों के साथ आज आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन कुछ नया काम, नए विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे। जो आपने पिछले दिनों काम किए हैं उसका भी लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। और उपाय के रूप में भोजन के बाद थोड़ी सी सौंफ खाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आपके अंदर ऊर्जा और सकारात्मकता बहुत रहेगी। नई उम्मीदें बन सकती है जिनसे आपको फायदा होगा। नए रिश्ते की शुरुआत होने का योग है। नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों और भाइयों से आपको मदद मिलेगी। आप उनके लिए चौकन्ने रहे। घर परिवार में चहल पहल रहेगी। घर में भावनात्मक कारणों से आपकी जरूरत महसूस होगी। मौज मस्ती और मनोरंजन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। आप किसी तरह का कर्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी मंजूरी भी आपको मिल सकती है। रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं में आज सफल हो जाएंगे। योजनाएं आपको सफलता दिलवाएगी। शत्रुओं से सावधान रहे, बच करके रहे। और उपाय के रूप में कच्चे दूध का दान यदि आप किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को करेंगे तो आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। दिन वैसे तो आपके लिए सामान्य रहेगा। सोचे हुए काम अच्छे ढंग से पूरे हो जाएंगे। कोई भी काम विनम्रता से स्वीकार करें। नौकरी और अपनी स्थिति पर आपको विचार करना होगा। आज आप किसी तरह का नया निवेश भी कर सकते हैं। नई खरीदारी होने का योग है। कोई आपको चुनौती दे तो उसे तुरंत पलट करके जवाब न दे। पूरी बात समझने का प्रयास करें। थोड़ी देर में स्थिति सामान्य हो जाएगी। आज आप जो योजना बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं उसे लेकर के सावधान रहें। उससे किसी को नुकसान भी हो सकता है। किसी बात को लेकर के आप परेशान रहेंगे। कोर्ट कचहरी और जमीन से जुड़े मामलों में आप परेशान हो सकते हैं। रोजमर्रा के काम में मन थोड़ा कम लगेगा। भावनात्मक तौर पर थोड़ी उलझन आपको महसूस होगी। परिवार में किसी की सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है। निवेश करने के लिए समय ठीक नहीं है। निवेश न करें वरना आपका पैसा कहीं उलझ भी सकता है। और उपाय के रूप में तांबे के बर्तन का दान हनुमान जी के मंदिर में करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज ऑफिस या बिजनेस में कुछ नया काम करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। सितारे आपके कार्यक्षेत्र को प्रभावित करेंगे। रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपने घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने पर देंगे। दोस्तों और भाइयों की मदद से धन लाभ होगा। कोई गलत फहमी भी सुलझ सकती है। आपको कोई उम्मीद नजर आए तो आप नए कारोबार की शुरुआत कर दें। आज समस्याएं और विवाद समाप्त होने का योग है। और उपाय के रूप में तुलसी जी के पौधे में यदि आप जल डालेंगे तो आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आज आप जो सोचेंगे वह पूरा कर ही लेंगे। आपके लिए दिन अच्छा है। सीधे साधे आपके सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। परेशान न हो, शांति और धैर्य से काम करें। आज आप कुछ नया करने का प्रयास भी कर सकते हैं। आज आप कुछ सोच समझ कर ही बोले। आपकी सोच और विचारों में नयापन आएगा। बिजनेस में फायदा और नौकरी में प्रमोशन मिलने का योग है। आपका ध्यान नियमित कामकाज निपटाने पर रहेगा। आप बहुत बातें करने के मूड में रहेंगे। दूसरों के साथ जुड़े रहने से आपकी क्षमता में विकास आएगा। आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा। दोस्तों से फोन पर लंबी चर्चा भी हो सकती है। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का कपड़ा चढ़ाना आपके लिए अति शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आज वही होगा जो आप चाहते हैं। पूरी तरह किसी काम के परिणाम आपके अनुसार ही मिल सकते हैं। आपको कोई अच्छी खबर मिलने का योग है। कर्ज से मुक्ति पाने में आप सफल हो सकते हैं। रुका हुआ पैसा भी आपको मिल जाएगा। दिन अच्छा है और फायदेमंद भी रहेगा। आर्थिक मामलों में थोड़ा बहुत सुधार होने का योग है। आज आप खुद में भी बदलाव महसूस करेंगे। आप नौकरी करते हैं तो नौकरी या नौकरी की दिशा में बदलाव होने का योग है। नया काम या प्रोजेक्ट भी आज आपको मिल सकता है। नए अवसरों पर खुले मन से विचार आपको करना होगा। जो भी करे आखिरी दम तक आप जो है उसको पूरी तरह से मन लगा करके करें। जल्दबाजी में किसी भी काम को अधूरा न छोड़े। परिवार के साथ मनोरंजन में आपका समय व्यतीत होगा। अधिकारी या निचले स्तर पर काम करने वाले लोगों से प्रेम और सपोर्ट आपको मिलेगा। और उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में यदि आप सिंदूर तेल दोनों चढ़ा देंगे तो दिन आपका अति शुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। खुश रहने का प्रयास करें।
उत्साह बनाए रखें, आज आप अपने आसपास के लोगों के इरादे आसानी से समझ जाएंगे। इससे आप बड़े नुकसान से भी बच सकते हैं। कोई करीबी व्यक्ति आपके इशारों में जो है खास बात आपको बता सकता है, जिससे आपको फायदा होगा। हर चुनौती को अलग करते हुए कामकाज में लगे रहने का समय है। सत्ता और ऑफिस में बड़े पदे पर बैठे लोगों से आपका संपर्क होगा। आप अपने कामकाजी जीवन में अपने सामाजिक संपर्कों का फायदा उठाने में सफल रहेंगे। अपने आत्म सम्मान की चिंता आपको करनी होगी। अपनी प्रतिष्ठा को आपको निखारना चाहिए। आपको हर तरह से सावधान रहना चाहिए। और उपाय के रूप में देवी जी के मंदिर में यदि आप मेहंदी और हल्दी चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। किसी जरूरी काम से आपको यात्रा करनी होगी। घर परिवार निजी और पेशेवर जिंदगी से जुड़े खास काम आपके हो सकते हैं। आपके कामकाज और तौर तरीकों को दूसरों के सामने एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई दोस्त या परिचित आज आपसे संपर्क करेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने का योग है। आज आपको पूरे उत्साह और लगन से काम करना चाहिए। भ्रम दूर करने के लिए कोई नया तरीका आपको इजाद करना होगा। संतान से सुख और अच्छी खबर मिलने का योग है। विद्यार्थियों को सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में बेसन की मिठाई चढ़ा करके परिवार के लोगों में प्रसाद बांटेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।